अपने बयानों से क्यों बदल रहा आरोपी संजय? कोलकाता के आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट रविवार को पूरा कर लिया जाएगा। कोलकाता पुलिस ने बताया कि संजय ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया है, लेकिन आरोपी ने दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है और खुद को बेकसूर बता रहा है। इस मामले में परिचित जेल अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। संजय रॉय ने जेल के कुछ गार्ड से कहा कि उसे रेप और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है। संजय ने सियालदह में SJM अदालत के सामने अपने बेगुनाह होने का दावा किया था। संजय ने जज से कहा कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए रजामंदी दी। 6 लोगों का किया गया पॉलीग्राफ टेस्ट। आरजीकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। वारदात की रात पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 ट्रेनी डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ किया गया। CBI ने संजय के करीबी एक सिविक वॉलंटियर का भी शनिवार को पॉलीग्राफ टेस्ट किया। CBI की टीम पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। CCTV सबूत में फंसा संजय रॉय। मामले की जांच कर रही CBI और पुलिस ने उसके बयानों में स्पष्ट विसंगतियां पाई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि संजय रॉय जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। CCTV में सुबह 4:03 पर अस्पताल के गलियारों में अपनी मौजूदगी को लेकर कोई जवाब नहीं दे सका। संजय रॉय को कड़ी सुरक्षा के बीच सुधार गृह के सेल नंबर 21 में रखा गया है, जहां वह अकेला है।